काम किया था। यहाँ के बाद ये संजय प्रेस चले गए और संजय प्रेस में मुझसे पहले लग गए थे, दो महीने बाद में ज्वाइन हुआ था। तो 98 में अविनाश जी ने और मैंने दोनों ने एक साथ एक ही रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। मैं चिकन बेचता था, घर घर डिलीवरी देने जाता था और अविनाश जी वो वेटर थे। तो इस तरीके से काम चलता रहा। इनको सरकारी जॉब मिल गई लेकिन मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली। मैं 11.5 साल तक उसी रेस्टोरेंट में काम करता। 18 साल की उम्र में रेस्टोरेंट ज्वाइन किया था और दोस्तों 29 साल का हो गया। सुबह डॉक्टर की क्लिनिक में मैं यहां से लोगों को लेके गया था। क्लिनिक में आप जाके देखे होंगे, डॉक्टर शरद पालीवाल हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनकी क्लिनिक में सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लिनिक में और शाम को 6 बजे से रात को 12:30 बजे तक 1 बजे तक उस रेस्टोरेंट में। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई आदमी अगर ये बोले कि साला मेरे पास में टाइम नहीं है तो मुझसे मिल ले, 18 घंटे नौकरी करता था और 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 11.5-12 साल तक 18 घंटे नौकरी किया मैंने। थैंक यू दोस्तों। और बताऊं आपको, कोई आदमी ये बोले कि मुझे इस बिजनेस में टाइम नहीं है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मैंने डॉक्टर को बोला आपके पास में कितना ट्रेनिंग के लिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ट्रेनिंग में जाओगे, ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग में आपको टीम के साथ जाना है और प्लान में प्रोस्पेक्ट के साथ जाना है, और ट्रेनिंग नहीं लोगे तो काम बड़ा नहीं हो सकता। देखो ट्रेनिंग में कैसे जाता था मैं, डॉक्टर साहब को बोलता था, डॉक्टर साहब आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दो, शाम को 5:30 बजे छोड़ दो, थोड़ा सा आधा घंटा पहले छोड़ दो। और होटल वाले को बोलता था, सर आपके यहाँ 11 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आधा घंटा लेट आऊंगा। गायत्री पब्लिक स्कूल में सबसे पीछे ऐसे बैठ के देखता था और सर ट्रेनिंग देते थे ऐसे छुप छुप के देखता था क्योंकि इधर घड़ी देखता था, क्योंकि 7:15 बज गए तो उधर डांट पड़ेगी। इस तरीके से सोच सोच के थोड़ी सी ट्रेनिंग ली। उसके बाद में जब वेस्ट बंगाल पहुंचा, अविनाश जी ने मुझे बुलाया, इनको कॉल किया गया, आए और वहां पर जब बुलाया गया और जैसे वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद धरती को ऐसे छूमा, मैंने ये नहीं सोचा क्योंकि ट्रेनिंग मुझे सर की मिली थी। आज ऐलान बोलता हूं, ट्रेनिंग सर की मिली थी, वहां पर कोई भी अपॉइंट नहीं था और कोई भी आदमी अपॉइंट का रोना मत रोना भाई साहब, क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं, वहां पर एक भी अपॉइंट नहीं था मेरा और मैं सिर्फ अपॉइंट से टच लेता था। जो भी चेक बनता था, सर 10,000 का हफ्ते का चेक बने, सर को बोलता था, सर इस हफ्ते 10,000 का चेक बनाया, सर बोलते थे वेरी गुड कीप इट अप, अब लग जाओ। और दोस्तों बिना वहां पर रह के काम करना चालू किया, अविनाश जी ने और मैंने मिल करके दोनों ने एक साथ काम चालू किया और चेहरे पे जो मुस्कुराहट बोलते थे सर, एक ही मुस्कुराहट आती थी, कुछ नहीं लगता था, दिल से लगता था, सारा वेस्ट बंगाल सारा जमाना रवि शर्मा का दीवाना। थैंक यू। और दोस्तों काम करता चला गया इतना कॉन्फिडेंस दिल में जागा और दिल से एक आवाज निकली, जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती और वक्त बदल जाता है, सिर पे कभी ताज नहीं होती। कुछ तो सोचा होगा ऊपर वाले ने, वरना सिर्फ सबसे मेरी मुलाकात नहीं होती। उसके बाद दिल्ली पहुंच के फिर काम चालू किया, 1,000 टारगेट बनाया, टारगेट जो सर ने बताया। सोचो स्थिति बताता हूं, दोनों नौकरी छोड़ दी नहीं, शादी हुई थी और जब शादी हुई थी तो ये बोल के शादी हुई थी कि क्या चाहिए लड़की, अच्छा दो नौकरी दो लड़की लो, और लड़की दे दी और काम करने लगा। जब उनको पता चला सेफ शॉप आ गया, और सेफ शॉप उन्होंने एक आध दो नौकरी छोड़ दी, एक छोड़ी, 1.5 साल पार्ट टाइम किया, तो घर वालों को मतलब ससुराल वालों को प्रॉब्लम हो गई, बोले नौकरी नो लड़की दो, तो लफड़ा है। तो मैंने भी सोचा कोई दिक्कत नहीं है, शशि कपूर का वो गाना याद आया, अपने तो हाथों से कमाया खाने वाले पराया किसी का ना खाएंगे, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया। और दोस्तों अंदर से जागा, काम करना चालू किया, दिल से मैडम ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी मैडम ने पूरा साथ दिया, बोला कोई दिक्कत नहीं, बकते रहने बकने दो, तुम काम करो। 1,000 पेट में बच्चा था, डिलीवरी का टाइम था, 6 महीना बाकी थे, नौकरी दोनों छोड़ दिया था, एक टारगेट बनाया, पहला महीना 10,000, मां कसम पहला महीना 11,000 कमाया, पहला महीना 10,000, अगला महीना 10,000, 11,000, 12,000, 14,000, 18,000, 20,000, 22,000, 1,00,000, 2,00,000, आज इस बिजनेस के माध्यम से 3 से 3.5 लाख रुपए महीना आता है। सही है? और कसम खाके बोलता हूं, 2019 में रवि शर्मा ही नहीं, रवि शर्मा के साथ कम से कम 5 लोग कैपिंग में होंगे सारा।
राइट। तो आप कोई बोलेगा दो महीने का बिजनेस है? नो। बोलो क्यों? बोलो क्यों? क्यों? ऐसे नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि स्वर्ग से मिलती है आत्मा, माँ बाप से मिलता है शरीर, शरीर में दौड़ता है खून, खून को चलाता है दिल, दिल से बनते हैं रिश्ते, रिश्तों में पनपता है प्यार, प्यार में होती है भावना, भावनाओं से बनते हैं विचार, विचारों से चलती है दुनिया, दुनिया में बसते हैं लोग, लोगों में होते हैं हस्बैंड वाइफ, और जो जुड़ जाएगा सेफ शॉप में उसकी हो जाएगी सिक्योर लाइफ। थैंक यू। अभी समय कम है, आज के लिए इतना, और मैं सर को माइक देना चाहता हूँ, आपको सुनते रहोगे। थैंक यू मिस्टर।